मैं एक ही राय आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ्स विद ए के राय पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले लेक्चर में NTPC के बारे में सारे इंफॉर्मेशन ले चुके हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग NTPC के लिए स्पेशल क्लास आज से स्टार्ट करेंगे। हम पहला टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रतिशत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए तो इस एक टॉपिक के क्लियर होने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, ये पांच टॉपिक और क्लियर हो जाते हैं। तो हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम अलग से आज तक जितने भी परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर देंगे। उसके लिए हम अलग से प्रीवियस ईयर फॉर रेलवे करके एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें सारे वीडियोज को हम डाल देंगे। तो आप बने रहिए और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। देखिए प्रतिशतता परसेंटेज क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे परसेंटेज है क्या। ध्यान देंगे प्रतिशत जो है, प्रतिशत प्रतिशत दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, परसेंटेज जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। एक तो प्रति, प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब क्या होता है एक, प्रति का मतलब होता है एक, और सत का मतलब होता है, सत का मतलब होता है सौ, प्रति सौ। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रति सौ का जब बात किया जाए, अर्थात सौ में जब एक का बात किया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे प्रतिशत कहते हैं। इन चीजों को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा जो होगा वही क्या होगा, प्रतिशत होगा। या आप ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी, कोई भी नंबर है, एनी नंबर कोई भी नंबर है, और उस नंबर में यदि हम 100 से भाग दे दे तो वह उतना ही प्रतिशत कहलाता है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 में हम 100 से भाग दिए तो ये हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये हमारा 2% हो जाएगा। यदि 3 है और 3 में हम 100 से भाग दे दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 2.5 में हम 100 से भाग दे दें तो ये मेरा 2.5% हो जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंट को व्यक्त कर सकते हैं, परसेंट को समझ सकते हैं। अब दूसरा बात जानेंगे कि परसेंटेज को जब हम व्यक्त करने जाएंगे तो हम दो तरीके से परसेंटेज को व्यक्त करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज है, तो इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे कहें तो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल दो का ही बात करेंगे, उसके बारे में बताते हैं। यहां पर पहला होगा फ्रैक्शन, पहला होगा फ्रैक्शन जिसे हम लोग भिन्न कहते हैं, पहला होगा फ्रैक्शन जिसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने 50% लिया, हमने क्या लिया 50%, तो 50% को हम लिख सकते हैं 50/100 = 1/2, 50% मतलब 1/2, तो 1/2 जो हुआ ये मेरा क्या हुआ, भिन्न हुआ। अब भिन्न इसी चीज को अगर हम डेसिमल के रूप में लिखे, दशमलव के रूप में लिखे, तो इसे डेसिमल के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात इसी चीज को हम लिख सकते हैं, अगर ये 50% है तो 50/100 = 0.50 या 0.5 हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद अगर हम जीरो देते हैं तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। तो हमने देखा फिर प्रतिशत किसे कहते हैं, तो प्रतिशत है प्रतिशत, प्रतिशत मतलब प्रति सौ, सौ में जब एक का हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रति सैकड़ा, या ये बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर में जब हम 100 से भाग देते हैं तो वो उतना ही प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत को दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, एक है फ्रैक्शन भिन्न, जैसे 50% है
50% हमारा परसेंटेज के रूप में है, तो 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, या डेसिमल में 50% को 0.5 लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 20% है तो 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं, 20/100 को हम फ्रैक्शन के रूप में 1/5 लिख सकते हैं। इसी 20/100 को अर्थात 20% को हम 0.20 या 0.2 भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरह से परसेंटेज को व्यक्त करने का तरीका हुआ, एक फ्रैक्शन और एक डेसिमल। आगे चल के हम बताएंगे कि इनको हम रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं, वो हम आगे चल के बताएंगे। अभी फिलहाल आप इतना बात जाने कि परसेंटेज को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन और दूसरा डेसिमल, अर्थात एक भिन्न और दूसरा दशमलव। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो परसेंटेज से रिलेटेड है और वो क्वेश्चन बनाने में हमारा हेल्प करने वाले हैं। हम जो पहली बातें ध्यान में रखेंगे वो क्या है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि हमको प्रतिशत से भिन्न में जाना हो, प्रतिशत से भिन्न में जाना हो, अर्थात परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए हमारा 50% है, हमारा कितना है 50% है, और इस 50% को हमें भिन्न में ले जाना है, तो हम लिख सकते हैं 50/100, अर्थात इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 × 1/100, ये 1/100 जो है यही हमारा क्या है, परसेंटेज है। तो जब हम 50/100 लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है 1/2, ये कैंसिल हो गया दो बार में, तो 1/2, तो 50% का मतलब 1/2। अगर मान लीजिए हमें लिखना है 1/2%, इसे हमें भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, 1/2 को परसेंटेज की जगह पर हम 100 लिख देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें 4% को फ्रैक्शन में बदलना हो, तो हम लिख देंगे 4/100, अर्थात कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 1/25। मान लीजिए हमें 0.5% को फ्रैक्शन में बदलना है, तो 0.5 / हम क्या लिखेंगे, 100, या लिख देंगे 5/1000, और यहां से कैंसिल करके हम लिख देंगे 1/200। तो हमने यहां पर ये चीज सीखा कि प्रतिशत से भिन्न में जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं। प्रतिशत से भिन्न में जब हम जाते हैं तो सिंपल रूप में हम ये करने वाले हैं कि परसेंटेज को हटाकर उसके जगह पर बट्टे में 100 लिख देंगे, तो हमारा जो प्रतिशत है वो भिन्न में बदल जाएगा। चलिए अब हम सीखते हैं कि यदि हमें भिन्न से प्रतिशत में जाना हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 1/2 है और इस 1/2 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और सिंबल के रूप में हम क्या लगा देंगे, परसेंटेज। गौर करेंगे, 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंबल के रूप में क्या लगा देंगे, प्रतिशत, तो हमारा जो ये बनेगा वो क्या बनेगा, 50%। उसी प्रकार 1/3 है, 1/3 को भी यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करके सिंबल के रूप में प्रतिशत लगा दें, तो ये मेरा बन जाएगा 33.3%। उसी प्रकार अगर हम देखें, अगर हमें 1/3 को बदलना हो, तो हम क्या करेंगे, 1/10 × हम क्या करेंगे 100, और प्रतिशत को सिंबल के रूप में रख देंगे, तो हमारा ये 10% रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम यही सीखे कि भिन्न से यदि प्रतिशत में जाना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में 100 से गुना करके सिंबल के रूप में प्रतिशत लगा देंगे, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह भिन्न से प्रतिशत में बदल जाएगा। चलिए अब हम रिलेशंस का बात करते हैं कि भिन्न
परसेंटेज और रेशियो में क्या रिलेशन है और इनके क्या फायदे हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम देखते हैं कि भीम भीम प्रतिशत और अनुपात में क्या संबंध है। अनुपात में संबंध का हम बात करते हैं, ये क्या चीज है, इसमें क्या संबंध है। तो देखा जाए यहां पर, तो अगर मान लीजिए कि हम परसेंटेज लेते हैं, मान लीजिए कि हमने 50% लिया, हमने कितना लिया 50%। तो इस चीज को जब हम फ्रैक्शन में लिखने जाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 50/100 कैंसिल होकर हो जाएगा 1/2। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 50% है वही मेरा 1/2 है, जो 50% है वही मेरा 1/2 है। अगर इसी चीज को हम रेशियो में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 1:2। अर्थात हमें ये पता चल रहा है कि 50% 1/2 और 1:2 ये तीनों के तीनों चीज जो है एक ही चीज है, अर्थात ये आपस में सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आवश्यकता अनुसार हम किसी किसी क्वेश्चन में प्रतिशत से भी क्वेश्चन बनाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगा वहां फ्रैक्शन का भी यूज करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर रेशियो का भी यूज करेंगे। हमें बस इतना जानना है कि परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो तीनों एक ही चीज है। चलिए अब हम परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है और इसे हमें किस रूप में याद रखना है या किस रूप में जानना है। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू को। देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेज क्या है। फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेज, अर्थात भिन्न का प्रतिशत मान या प्रतिशत का भिन्न में मान क्या हुआ। तो जैसे मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं एक, तो एक को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 1 × 100 करके प्रतिशत सिंबल के रूप में लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 100%। तो हमें किस बात को ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं 100% लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 1/2 है, 1/2 को यदि 100 से मल्टीप्लाई करके सिंबल के रूप में परसेंटेज लगा दें तो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 50%। हमें ये माइंड में रखना है कि कहीं भी यदि 50% आता है तो उसका वैल्यू होता है 1/2। अगर हम 1/3 का बात करें तो 1/3 × 100 करने पर हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा 33.1/3%। 33.1/3% को डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 33.333%। तो इस प्रकार भी एग्जाम में लिखे हुए कभी कभी मिल जाते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगर हम 1/4 लेते हैं, 1/4 × 100 कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 25%। तो हमें याद रखना है कि 25% का जो वैल्यू होता है वो मेरा 1/4 होता है। यदि हम 1/5 का बात करते हैं तो 1/5 × 100 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 20%। याद ये रखना है कि 20% का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/5। यदि हम 1/6 का बात करते हैं तो 1/6 × जब हम 100 करके सिंबल के रूप में परसेंटेज लगाएंगे तो इसका वैल्यू होता है 16.2/3%, या इसे डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं 16.666%। आगे बढ़ते हैं, 1/7 को लेते हैं तो 1/7 × 100 करके आप जब सिंबल के रूप में परसेंटेज लगाएंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 14.2/7%, 14.2/7%। अब हम लेते हैं 1/8,
अगर 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई करके सिंबल के रूप में परसेंट प्रतिशत लगा देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 12.2%, इसे 12.5% भी लिख सकता है। अब हमें यदि 1/9 को ले तो 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा 11.9%। उसी प्रकार यदि हम 1/10 लेते हैं और 1/10 को 100 से मल्टीप्लाई करके सिंबल लगाते हैं तो रिजल्ट आएगा 10%। अब इस चीज में आपको याद क्या रखना है, ये ध्यान दे, क्योंकि आजकल जो पेपर बन रहे हैं उन पेपर्स में अक्सर देखने को ये मिल रहा है कि जो परसेंटेज वैल्यू है वो आपका डायरेक्ट इंटीजर न रह करके फ्रैक्शन में रह रहा है, जैसे 33.3% या 14.7%, 12.2%, तो इस प्रकार से आपको दिए हुए रहते हैं एग्जाम हॉल में जो परसेंटेज, तो उनको अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू से बनाते हैं तो बनाने में इजी होता है। चलिए हम आगे अब देखते हैं कि आगे हमारा फ्रैक्शन वैल्यू का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा और परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। देखते हैं अब 1/11 है तो इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, तो 1/11 गुने 100 करके जब प्रतिशत हम लगाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो 9.1/11% हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 1/12 हम लेते हैं और 1/12 में 100 से गुना करके जब प्रतिशत लगाते हैं तो हमारा रिजल्ट जो बनेगा, ये थोड़ा देख लेंगे कैसे हम लिख रहे हैं, ये आप कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर भूल गए तो उन चीजों को जल्दी से निकाल भी सकते हैं। जैसे देखिए 1/12 लिखे तो ये चीज हो गया 100/12, ये क्या हो गया 100/12, 4 से कैंसिल करोगे तो ऊपर में आपका आएगा 25 और 4 से कैंसिल करोगे तो नीचे में आपका आएगा 3, अर्थात 25/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 8.1/3%। उसी प्रकार से यदि 1/13 का हम बात करें तो 1/13 गुने 100 करेंगे और सिंबल के ऊपर प्रतिशत लगा देंगे तो हम यहां देख रहे हैं कि ये कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट कर देंगे 63/91 होता है, तो 7 गुना हो गया 63/91, अब 9 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 7/9 हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर उसी प्रकार 1/14 का बात करें तो 1/14 में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो यहां से जब आएंगे हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा क्या 7, अर्थात 50/7, तो इसे लिख सकते हैं 7.1/7%। उसी प्रकार जब 1/15 है और 1/15 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 से कैंसिल होने वाला, 5 × 3 = 15 और ये 20 × 5 = 100, तो 20/15 क्या आ गया 3, तो इसे लिख सकते हैं 6.2/3%, 6.2/3%। तो आपको डायरेक्ट याद क्या रखना है कि 9.1/11% का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/11, 8.1/3% का वैल्यू होता है 1/12, 7.9/13% का वैल्यू होता है 1/13, 7.1/7% का वैल्यू होता है 1/14 और 6.2/3% का वैल्यू होता है 1/15, तो ये बातें आपको मायने रखनी है। आगे हम लेते हैं 1/16, तो 1/16 को जब बदलना होगा तो 1/16 गुने हम 100 करेंगे, सिंबल लगाएंगे, अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल, 4 × 6 = 100 होगा 16, 50 से 25, तो 25/4 आ रहा है, 25/4 को 6.1/4 हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर 1/17 को देखा जाए तो 1/17 गुने 100 करेंगे, अब 17 100 से कटेगा नहीं, तो 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, 15 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये 5.15/17% हो जाएगा। अगर इसी में 1/18 लेते हैं तो 1/18 गुने 100 करेंगे, प्रतिशत लगाएंगे, यहां से कैंसिल करेंगे 9 होगा वो 50 हो जाएगा, तो 50/9 का मतलब है 5.5/9%। अगर इसी प्रकार आप करें 1/19, तो 1/19 में जब हम गुना कर देंगे किससे भाई 100 से गुना कर देंगे तो उस केस में ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा तो 19 × 5 = 95, 5.5/19% हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1/20 का, 1/20 गुने जब हम 100 करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 5%।
अब आपको क्या ध्यान रखना है इन चीजों पर जिक्र करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो, 9 पूर्णांक 1/11% है, लेकिन 9 पूर्णांक 1/11% का जो वैल्यू होता है वो 1/11 होता है, ये माइंड में सेट कर लेना है। 8 पूर्णांक 3% का 1/12, 7 पूर्णांक 9/13% का 1/13, 7 पूर्णांक 7% का 1/14 और 6 पूर्णांक 2/3% का 1/15। उसी प्रकार 6 पूर्णांक 1/4% का 1/16, 5 पूर्णांक 15/17% का 1/17, 5 पूर्णांक 5/9% का 1/18, 5 पूर्णांक 5/19% का 1/19 और 5% का 1/20। ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गए 1 से लेके 1/20 तक। अब हम इसमें सीखेंगे कि जो हम 100 से गुना करके और प्रतिशत लिखते हैं उसे हम बिना गुना किए इन फ्रैक्शन वैल्यू से डायरेक्ट कैसे लिखेंगे और डायरेक्ट कैसे हम उसका परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट इन चीजों को किस प्रकार कर सकते हैं। देखते हैं हम कि अब हम भिन्न को डायरेक्ट परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू के बेस पर। इससे मान लीजिए हम लोगों ने अभी देखा कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू जो होता है वो 33.1/3% होता है। मान लीजिए कभी आगे आपको 2/3 कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करते वक्त सिंप्लीफाई होकर के हमारा टर्म बच गया 2/3 और कहीं से प्रतिशत में बदलना है तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि इसमें 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करके यहाँ सिंबल लगाते हैं, फिर ये 200 हो गया, 200 में 3 से भाग देंगे, फिर ये लिखेंगे कि आप 3 से 6 बार में गया 18, फिर गया 6 बार में और फिर 2/3 अर्थात 66.2/3%। इस प्रकार से अक्सर आप लोग करते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छे खासे समय का बर्बादी हो रहा है। तो ऐसा न हो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान सा चीज है, कोई ऐसा टफ चीज नहीं है, बस इन चीजों में यूज टू होना सीखिए। पुरानी चीजों को भूलिए, रटे रटाए चीजों को ना याद करें, उन्हें रटे नहीं, आप बातों को समझे। अगर आप पुराने टेक्निक से क्वेश्चन बनाओगे तो जो बच्चे नए नए टेक्निक्स यूज कर रहे हैं और वो आपसे फास्ट क्वेश्चन को डील कर देंगे और उस सिचुएशन में आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए आपको सिलेक्शन पाना है तो नए नए टेक्निक्स को सीखिए जो आपको सिखाया जा रहा है, गौर करिए और क्वेश्चन बनाइए। हम चैप्टर परसेंटेज बढ़ा देते हैं, उसके बाद आप जहां से क्वेश्चन बनाना होगा बनाना, ठीक ना। हम रेलवे के लिए बना रहे हैं लेकिन रेलवे के अपर लेवल पर हम जाकर के आपको पढ़ाएंगे, हम SSC लेवल तक पढ़ा देते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। जो आपके 30 नंबर के आने वाले हैं मैथ्स, उस मैथ्स में आप 30 में 30 स्कोर करके आओगे। बस एकदम कंटिन्यू बने रखना है, एकदम मजे से पढ़ना है, हंसते हुए पढ़ना है, रोना नहीं है, दुख नहीं करना है, खुशी से पढ़िए। चलिए देखते हैं 2/3 है तो इसको हम एक काम करते हैं, ऐसे लिख दें 2×1/3। अगर हम इसको लिख दें 2×1/3 तो मीनिंग ये हुआ कि 1/3 का हम 2 गुना कर रहे हैं। तो उस केस में हम लिख सकते हैं 2×1/3 का मीनिंग क्या होगा, तो 1/3 का मीनिंग हम जानते हैं कि परसेंटेज में 33.1% होता है। अब हम इससे गुना कर देंगे तो गुना करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए यहां से जब गुना करते हैं तो थोड़ा सा हम इसको और सिंपलीफाई कर देते हैं। इस चीज को हम लिख सकते हैं 33+1/3% लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं तो 33 क्या हो जाएगा 66 और प्लस ये क्या हो जाएगा 2×1/3%। तो ये आपका टोटल क्या हो गया 66.2/3%। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट करेंगे, ये मन में करना है ना कि इस तरीके से लिख लिख के करना, आप डायरेक्ट चीजों को करिए। मान लीजिए आपको 2/3% आ गया तो आप जानते हैं कि 33.1/3% का मतलब होता है 1/3 अर्थात 33.1/3% का हमें डबल करना है। तो 33 का डबल करेंगे तो 66 आ जाएगा और 1/3 का डबल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, तो 66.2/3 क्या हो गया 3 हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए कि 1/8 है, 1/8 है तो हम जानते हैं कि 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12.1/2% अर्थात 12.5%। मान लीजिए आपके पास कहीं से आ गया 3/8 तो 3/8 आ गया तो हम क्या करेंगे, तो इस 3 में हम गुना किससे कर रहे हैं 1/8 से,
तो 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो क्या होता है 12.5 होता है। तो 12.5 का जब 3 गुना करेंगे तो बढ़ती है कितना हो जाएगा 36, और हाफ का 3 गुना करने पर क्या हो जाएगा 1.5, तो 36 और 1.5 क्या हो जाएगा 37.5। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 37.2%। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो भी चीजें आ रही है उन्हें हम डायरेक्ट चेंज कर लेंगे किसमें भाई, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में। इस प्रकार से हम रोटेट करेंगे तो हमारे समय की बचत होगी एग्जाम हॉल में। तो चलिए आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसको लेकर के इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे आपका क्या एग्जाम्पल बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया कि हमें 3/2 को बदलना है प्रतिशत में, तो 3/2 को बदलना है तो आप सीधा इसको इस प्रकार लिखते हैं 1+1/2। क्या लिखते हैं 1+1/2। अब आपको मालूम है कि 1 मतलब क्या होते हैं भाई 100% और 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। तो दोनों ऐड करने पर क्या होगा 150%। तो ये चीज बस ध्यान देना है, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम बहुत नया चीज बता रहे हैं और आपको समझ में नहीं आएगा, ये बिल्कुल ही आसान सा चीज है, इसमें कोई विशेष चीज नहीं है, आप बस गौर से देखते जाएं, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए आपको 9/8 है और इसे प्रतिशत में बदलना है, तो 9/8 देख रहे हैं कि 8 से 9 अधिक है, तो हम यहाँ पर 1+1/8 लिख सकते हैं क्या, 1 में 1/8 जोड़ेंगे क्या 9/8 आएगा, आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है वो क्या होता है भाई, तो 100% होता है। 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 12.5% होता है या 12.2 होता है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 112.5% हो जाएंगे या 112.2% हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि हम लेते हैं, मान लीजिए 5/7 ले लिया, तो 5/7 लिया तो इसको हम लिख सकते हैं 5 into 1/7। अब हमें मालूम है कि 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 14.2/7। 14.2/7 तो आप गुणा कर देंगे, 14 × 5 कितना 70 हो गया और 5 यानी कितना हो गया 10/7%। अब ये एक बार और जाने वाला है क्योंकि एक गुणांक और टूटेगा, तो ये हो जाएगा 71.3/7%। तो इस प्रकार से आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में इजी वे में जा सकते हैं और क्वेश्चन में हम इसका बहुत अच्छा प्रयोग भी करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, इन चीजों को आप माइंड में रखेंगे, बार बार वीडियो को देखकर इन चीजों को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जब हम क्वेश्चन पर आएंगे, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिएगा कितने फायदे होंगे, सेकंड भर में क्वेश्चन बन जाएगा, आप कल्पना भी नहीं किए होंगे कि इतने फास्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और बिल्कुल नया टेक्निक लेकर के आएंगे, आप वैसा टेक्निक अभी तक यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे, ये मेरा कहना है। ये सारी चीजें बहुत सारे लोग पढ़ा दिए हैं और ये सारे चीज बच्चे जानते भी हैं, लेकिन इस चीज को ही हम एक अजीब तरीके से, एक अनोखे तरीके से यूज करेंगे और दिखाएंगे कि क्वेश्चन कितने फास्ट आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में आते हैं, और डायरेक्ट परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम कैसे आएंगे उन चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। एक हम परसेंटेज लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा है 28.4/7%, 28.4/7%। तो 28.4/7%, तो इसको डायरेक्ट हमें लिखना है किसमें भाई, तो इसे डायरेक्ट हमें लिखना है फ्रैक्शन में, इसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखना है। तो आप ये सोचिए कि बट्टे में 7, प्रतिशत के किस वैल्यू के बट्टे में 7 होता है, तो एक हमारा होता है 14.2/7, एक होता है मेरा 7.1/7। तो ध्यान देंगे 7.1/7 जो होता है वो किसका होता है भाई, तो 7.1/7 जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/14। लेकिन यहाँ पर अगर हम 14.2/7 करेंगे तो गौर करें कि 14.2/7 जब लेंगे इसका डबल करेंगे तो 14 × 2 = 28 और 2 × 2 = 4, अर्थात 28.4/7% हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख क्या सकते हैं 2, और 14.2/7% का मतलब होता है 1/7, अर्थात हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं
2/7 गौर करेंगे बच्चे क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये जोड़ेंगे बट्टा में 100 लेंगे कटाएंगे फिर 100 टेस्ट फॉर्म लिखेंगे ये बड़ा ही बेतुका कांसेप्ट है आप एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा समय को अननेसेसरी बर्बाद कर देंगे तो इन चीजों को समझिए और ये सारे चीज आपको माइंड में करने हैं ना कि ऐसे ही करना है आगे चलिए हम लेते हैं एक जैसे 37.1 2% अब देखिए आप ध्यान देंगे कि 1/2% में किसमें होता है तो एक तो आप देखेंगे कि 12.5% में होता है तो 12.5% में 12 पूर्णांक 1/2 होता है तो अगर हम 3 से 12 पूर्णांक 1/2 में गुणा करें तो बढ़ती है 36 3 एकम 3/2 बढ़ती है 36 और 3/2 3/2 को तोड़िएगा तो फिर ये आ जाएगा 1/2 तो 37 पूर्णांक 1/2 तो बोलिए ये जो आपका है 12.5% इसका वैल्यू कितना होता है तो इसका वैल्यू होता है 1/8 और 1/8 में जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा 3/8 तो इस प्रकार से हम इन छोटे छोटे चीजों को लेकर के क्या करेंगे तो क्वेश्चन को बनाएंगे कंसेप्ट डेवलप करेंगे और उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में किस प्रकार से इन चीजों का यूज होगा आप देखेंगे हम बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपको लगेगा कि यही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हम ये परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू ले रहे हैं इसमें क्या रिलेशंस हैं और इसे हमें आगे चल के क्या फायदे होने वाले हैं तो चलिए हम इस बार देखते हैं कि इनके साथ क्या रिलेशन है क्यों और किस प्रकार हम इनको कोरिलेट करेंगे क्वेश्चन के पेपर में जब हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो चलिए देखते हैं आगे और हम कोरिलेट करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज से मान लीजिए कि हमारा 1% है 20% तो हम लोग देखिए 20% का मीनिंग होता है 1/5 अब समझिएगा 1/5 का मतलब क्या होता है 1/5 का मतलब है कि अगर कोई चीज 5 है तो 5 में जो 1 है वो 5 का कितना परसेंट है 20% है समझेंगे ये डिनोमिनेटर में जो है जो 5 है ये ओरिजिनल वैल्यू को बताता है ये ओरिजिनल वैल्यू को बताता है अर्थात आप कह सकते हैं ये वास्तविक मान को बतलाता है वास्तविक मान आप किसी का भी मान सकते हैं इसे कोई भी संख्या को रूप में इसे यूज कर सकते हैं लेकिन ये ऊपर वाला जो अंश होता है ये या तो इंक्रीजमेंट को शो करता है अर्थात वृद्धि को शो करता है या फिर ये कमी को शो करता है डिक्रीजमेंट को शो करता है तो आप ध्यान देंगे जैसा जरूरत पड़े उस प्रकार का हम यूज करेंगे अब यहाँ पर एक चीज ये समझना है कि मान लीजिए कि हम कोई संख्या मानने जा रहे हैं जैसे मान लीजिए कोई ए है एक संख्या हमने मान लिया कि ए क्या है 5 ए क्या है 5 तो इस 5 का जो 20% होगा 5 का जो 20% होगा वो क्या होगा भाई 1 होगा तो यही रिलेशन है कि इस 5 का जब आप 20% निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा मान लीजिए उसी प्रकार हम लेते हैं मान लीजिए हमने लिया 16.2/3% तो इसका मीनिंग होता है 1/6 इसका मीनिंग क्या होता है 1/6 तो इस 6 का जब हम 16.2/3% निकालेंगे तो जो रिजल्ट हमारा आने वाला है वो रिजल्ट मेरा क्या आएगा 1 आएगा तो ये जो तरीका है इससे आपको बहुत फायदे होने वाले हैं आप देख सकते हैं मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन ऐसे ही लिख रहे हैं हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि ए बी से 20% अधिक है तो क्या है ए बी से 20% अधिक है तो ए अनुपात बी इक्वल टू 8 अब बच्चे क्या करते हैं तो यहां लिखेंगे ए यहां लिखेंगे बी अब कहेंगे कि बी को हमने मान लिया 100 और ए उससे 20 अधिक हो गया तो ये हो गया 120 तो ये जब 100% हुआ ये 120% हुआ तो कैंसिल हो गए ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तो मेरा जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 6:5 सब लोग इसी प्रकार से करते हैं लेकिन ऐसे ना कीजिए आप डायरेक्ट देखें कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है भाई वो क्या होता है 1/5
पांच, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। अब गौर करेंगे यहाँ आप ए अनुपात बी लिखना चाहते हैं, तो देखिए जिसके साथ सी लगाओ, सी या का, सी या क्या लिखने का मतलब होता है कि उससे कंपैरिजन किया जा रहा है, उससे तुलना किया जा रहा है, और जिससे भी हम तुलना करते हैं वो डिनोमिनेटर में जाएगा, वो नीचे जाएगा। इसका मतलब पांच जो वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू होने वाला है, बी का। पांच वैल्यू किसका होने वाला है, बी का, और पांच का एक जो होता है वो 20% है, तो पांच में जब हम एक बढ़ा देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो रेशियो मेरा बनेगा 6/5। मान लीजिए इसी प्रकार से और क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया कि ए बी से 16 गुना 2/3% कम है, तो ए अनुपात बी इज इक्वल टू। मान लीजिए इस प्रकार की बातें अगर आ गई तो फिर यहाँ पर क्या परेशानी होती है कि अब देखिए वहां पर तो था 20%, आपने एक को 100 माना, 100 में 20 जोड़ दिया 120 हो गया, लेकिन यहाँ पर 16 गुणा 2/3%। अब आप क्या करने वाले हैं, 100 में 16 गुणा 2/3% अगर घटाएंगे तो बोलिए समय लगेगा कि नहीं लगेगा, और हो सकता है कि एग्जाम में आप समय लगने की वजह से ये कार्य न कर पाए, तो वहां पर आपके समय का बचत होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हमारा 16.2/3% है तो आप याद, आप जानते हैं वो चीज याद कर लेना है किसी भी प्रकार से, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6, जब 1/6 होता है तो हमारे बी का जो वैल्यू होने वाला है क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। बी का वैल्यू जो होने वाला है क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। क्यों, क्योंकि से किसके साथ लगा है, तो से लगा हुआ है बी के साथ, अर्थात कंपैरिजन बी से किया जा रहा है। अब बी से ए कितना कम है भाई, तो 16.2/3% कम है, तो जब बी का वैल्यू 5 हो गया तो 5 का 16.2/3% निकालने पर आता क्या है, 1 आता है, तो 6 में अगर आप 1 घटा दें तो हमारा रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, 5। तो हमारा रेशियो जो बनेगा वो क्या बनेगा, 5/6 बनेगा। तो इस प्रकार से हम इन चीजों का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए हम कुछ और चीजें सीखते हैं जो बेसिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और हम इस बार बात करने वाले हैं आपसे कि कंपैरिजन किस प्रकार से किया जाता है, और जब लैंग्वेज घुमा करके दे और वहां कंपैरिजन आपसे पूछा गया हो तो हम वहां पर कौन सा मेथड अपनाएंगे या कौन सा लॉजिक अपनाएंगे ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए देखते हैं अगले पैटर्न को, ध्यान देंगे हम यहाँ पर एक चीज जानेंगे कि जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, उसे हम कहाँ लिखते हैं, तो नीचे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, हर में लिखते हैं, जिससे तुलना करेंगे, जिससे तुलना करेंगे, तुलना करेंगे उसे उसे हर में लिखेंगे, हर मतलब डिनोमिनेटर, हर में लिखेंगे लिखेंगे और जिसे ज्ञात करना होगा उसे अंश में लिखेंगे। ये बड़ा ही काम करने वाला है, आगे आपको बहुत मदद करेगा कि जिसे आप तुलना कर रहे हैं, जिसे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वो हमेशा हर में जाता है, बट्टे में जाता है, नीचे जाता है, और जो ज्ञात करना होता है वो वैल्यू ऊपर में जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए, जैसे आपसे आ जाता है कि दस रुपया पचास रुपये का कितना प्रतिशत है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि 10 रुपया 50 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो एक बात हमें बताइए यहाँ तुलना किससे किया जा रहा है। तुलना किया जा रहा है कि 10 रुपया जो है वो 50 रुपया का कितना प्रतिशत है, 50 रुपया से तुलना किया जा रहा है, तो जब 50 रुपया से तुलना किया जा रहा है तो 50 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 10 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट बना वो 10/ क्या बना, 50। अब इसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुना करके क्या लगा देंगे, सिंबल लगा देंगे, तो यहाँ से कैंसिल होगा 5 और ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 20, अर्थात मेरा रिजल्ट कितना मिलेगा 20%। लेकिन फिर एक बार हम बताएंगे आप इन तरह से कटाने वाले काम को ना करें, इस आदत को छोड़े, हमारे साथ हम जिस प्रकार से कर रहे हैं उस प्रकार से आप करिए। तुलना किससे किया जा रहा है, 50 से, तो 50 कहाँ जाएगा,
10 कहाँ जाएगा? ऊपर। आप कैंसिल कर दीजिए, आ गया आपका 1/5। अब आप बोलिए 1/5 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है? तो वो होता है 20%। ये याद कर ले, डायरेक्ट लिखें, एग्जाम हॉल में समय का बचत होगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है, मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया क्वेश्चन कि 10% 20% का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन क्या बना कि 10% 20% का कितना प्रतिशत है? तो हम क्या करेंगे, किसके बारे में पूछ रहा है? 10% किसका है? तो 20% का कितना परसेंट है? 20% से तुलना किया जा रहा है तो 20% आपका नीचे चला जाएगा, 10% आपका ऊपर चला जाएगा। 10% से 20% 1/2 बार कट गया, दो बार में तो 1/2 आ गया। हमें मालूम है 1/2 का कितना परसेंट होता है? 50%। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से बस हमें इतना सीखना है कि जिससे तुलना करेंगे उसे हम हर में लिखेंगे, और जिसे ज्ञात करेंगे उसे हम अंश में लिखेंगे, और हम इसे डायरेक्ट फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू को लिखने का आदत डालेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम जब कंपैरिजन करने जाते हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और कैसे हम वहां पर कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम फिक्स्ड वैल्यू का तुलना जो करेंगे वो रेशियो से कैसे करेंगे, या फिर हम उसको प्रतिशत से कैसे करेंगे, या फिर हम उसका फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। अर्थात हम यहाँ पर बात करने वाले हैं निश्चित राशि का तुलना, निश्चित राशि का मतलब है फिक्स्ड वैल्यू, निश्चित राशि का तुलना प्रतिशत या भिन्न से करने पर क्या रिजल्ट आएंगे। निश्चित राशि फिक्स्ड वैल्यू का तुलना प्रतिशत या भिन्न से करने पर क्या रिजल्ट आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम तुलना कहेंगे, अर्थात हम बट्टा में जाने वाले, हमने अभी बोला कि तुलना जिससे किया जाएगा वो हर में जाएगा, और जो हर में रहता है उससे हम भाग देते हैं। तो तुलना करेंगे तो प्रतिशत में जब हम तुलना करेंगे तो हमारा वो वैल्यू कहाँ जाएगा, हर में जाएगा, अर्थात हम उससे भाग देने वाले हैं। और जब हम ज्ञात करने का बात करेंगे तो उससे हम क्या करने वाले हैं, तो गुणा करने वाले हैं। ये चीज हमेशा माइंड में रखें। अब देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन से हम इस चीज को समझाना चाहते हैं। क्वेश्चन आ गया कि किसी संख्या का 40% किसी संख्या का 40% 1200 है, तो किसी संख्या का 40% 1200 है तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे जो हम समझाना चाहते हैं वो चीज समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलता है तो आप सीधे मान लेते हैं कि हमारा संख्या जो है वो क्या है, x है, तो x का जो 40% है वो कितना है, तो वो 1200 है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि x 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 2/5, और ये आपका हो गया 1200, 2 से कैंसिल हो गया 600, और ये मेरा रिजल्ट आ गया 6×5=30, 3000, अर्थात वो संख्या कितनी है, 3000। तो इस प्रकार से नहीं बनाना है। अब आप इन चीजों से बचे, डायरेक्ट बनाएं। और कुछ लोग फ्रैक्शन का यूज करके रेशियो से भी बनाते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो गया वो हो गया आपका 2/5, वो हो गया आपका 2/5। तो जो हमारा मेन संख्या बना वो हमारा क्या संख्या बनेगा, तो वो संख्या हमने मान लिया क्या पांच। तो पांच में मेरा दो जो है, अर्थात दो यूनिट का जो वैल्यू है
पांच अगर संख्या हुआ तो इस पांच का 40% क्या हुआ है, तो इस पांच का 40% मेरा 2 हो गया, तो 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 1200 है। तो हमसे निकालना क्या है, संख्या, और संख्या मेरा क्या है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 1200 बटा 2 गुणे 5, तो यहां से कैंसिल हो गया, हो गया 600, 6 5 23, अर्थात ये 3000 आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन इन किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, होता क्या है कि इसमें अननेसेसरी समय आप बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए हमने एक फिक्स्ड वैल्यू कंपैरिजन मेथड के बारे में आपको बताया कि फिक्स्ड वैल्यू का कंपैरिजन हम करके क्वेश्चन को कैसे नहीं बनाते। फिर ध्यान दें, हमने एक बात लिखा है कि जब हम तुलना करेंगे तो भाग देंगे, बोले यहाँ फिक्स्ड वैल्यू मेरा क्या है, तो फिक्स्ड वैल्यू मेरा है 1200, फिक्स्ड वैल्यू मेरा क्या है 1200, फिक्स्ड वैल्यू मेरा क्या है 1200, तो इस 1200 का हम तुलना किससे करेंगे, तो 1200 क्या है भाई, 1200 है क्या, तो किसी संख्या के 40% का वैल्यू 1200 है, इसका मतलब 1200 का तुलना हम किससे करेंगे 40% से, तो तुलना का मतलब क्या होता है, भाग देना, तो 1200 का तुलना हम कर दिए 40% से, और हमें संख्या चाहिए, तो आप जान ले कि दुनिया में कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या या कोई भी वस्तु, वो या तो 100% होता है या फिर 1 होता है, अगर प्रतिशत की भाषा में कहे तो या तो 100% होगा, अदरवाइज वो 1 होगा, या तो आप उसे 1 मान सकते हैं नहीं तो उसे 100% मानेंगे। ये भी बात याद रखिए कि यदि आप तुलना प्रतिशत के फॉर्म से कर रहे हैं तो जब ज्ञात करने के लिए आप गुणा करेंगे तो वो भी प्रतिशत के ही फॉर्म में होगा, अर्थात 1200 का तुलना आपने किया 40% से, अब वो संख्या निकाला है तो दुनिया में कोई भी संख्या अपने आप में कितना हो जाएगा 100%, अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ये कितने बार में चला गया, तो ये चला जाएगा आपका 30 बार में, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया 3000। बोलिए क्या इससे जल्द बना कि नहीं बना, मन समय का बचत हुआ कि नहीं हुआ, तो हुआ। आप इस चीज को जो प्रतिशत में लिखे, इस चीज को आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1200 जो रुपया था ये किसका फिक्स्ड वैल्यू है भाई, तो 40% का, अब बोले 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, तो 1200 का तुलना हम किससे करेंगे 2/5 से, और हमें संख्या चाहिए, तो हमने बताया कि जब आप फ्रैक्शन में रूप में बात करेंगे तो दुनिया की कोई भी संख्या अपने आप में 1 होती है, लेकिन यदि आप प्रतिशत के रूप में बात करेंगे तो दुनिया की कोई संख्या अपने आप में 100 होती है, 100% होती है, तो यहाँ पर हम गुणा किससे करेंगे 1 से, ये देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया 600 और 6 5 3000, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 3000। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए एक तो और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका ये जो तरीका है, जो कंसेप्ट है, ये क्लियर हो जाए, ताकि आगे जाकर जब हम क्वेश्चंस में इनका यूज करें तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ आए। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन बनाए इस प्रकार से है कि किसी संख्या में 16.3% की वृद्धि करने पर वह बढ़कर 770 रुपया हो जाती है, 770 रुपया हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, संख्या क्या है। फिर इस क्वेश्चन को बच्चे उसी तरीके से बनाएंगे, फिर रेशियो लगाएंगे, नहीं तो कुछ लोग प्रतिशत से बनाएंगे, फिर समय बर्बाद होगा। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में यही मेथड ज्यादा पॉपुलर हुआ है कि 16.3% का फ्रैक्शन वैल्यू है भाई 1/6, 16.3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अब यहाँ पर है कि जब 1/6 है तो संख्या जो मेरा बनेगा वो हमेशा नीचे वाला होगा, तो संख्या मेरा हो गया 6। अब संख्या में हमने 16.3% की वृद्धि की है, तो संख्या अगर 6 है तो 6 का 16.3% क्या होगा भाई, तो 16.3% होगा 1, और जब हम 6 में 1 बढ़ा देंगे तो अब ये बढ़कर संख्या क्या हो जाएगा,
तो बढ़कर संख्या जो होगा वो हो जाएगा सात। क्या हो जाएगा? सात। तो अब हम लिखते हैं कि सात यूनिट जो है वो बराबर है किसके, तो सात यूनिट हमारा बराबर है 770 के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या क्या है, तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 6 यूनिट बराबर होगा 770 बटे 7 गुणे 6 का, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो हमारा आंसर आ गया 660। तो ये जो तरीका है, इस तरीके में समय की बर्बादी है, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन और हम देने वाले हैं, वहां आपको पता चलेगा कि रियल में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इस मेथड से। हम डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड लगाने वाले हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम अपने मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने जल्द क्वेश्चन होता है। हमारा जो फिक्स्ड वैल्यू है, बोलिए फिक्स्ड वैल्यू क्या है, तो फिक्स्ड वैल्यू है 770। फिक्स्ड वैल्यू है 770, बोलिए ये 770 कब आया? तो ये 770 तब आया जब हमने उसमें 16 पूर्णांक 2/3% की वृद्धि कर दी। तो 16 पूर्णांक 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बोल दीजिए, तो 16 पूर्णांक 2/3% ही याद रखने होंगे, तब जाके मामला सेट होगा, फास्ट बनेगा। 16 पूर्णांक 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, और हमें बढ़ाना है तो 6 में हमने 1 बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया 7/6। 6 में जब 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 7/6। अब हमें संख्या निकालना है और हमें मालूम है कि जब हम फ्रैक्शन लेंगे तो उस केस में संख्या हमारा क्या होता है, 1 होता है। दुनिया की कोई संख्या क्या होती है, 1। और प्रतिशत की भाषा में जब लेंगे तो क्या होगा 100%। तो हम 1 से यहाँ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये कैंसिल हो गया 110 और डायरेक्ट 1866660 आपका आंसर बन गया। हमें लगता है कि इससे फास्ट बनाना संभव नहीं है। और इस मेथड का क्या मतलब इफेक्ट है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि जैसे ही आप इस मेथड को लेंगे और अगला क्वेश्चन जो देंगे उसको जब बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा समय मेरा बर्बाद हो रहा है, और इस मेथड से जब उस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको पता चलेगा इससे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसलिए ये ट्रेंड पुराना हो गया, इसे आप छोड़ दें, इसे अपनाएं और इससे बहुत जल्द क्वेश्चन बनेगा, ये हमारा वादा है और हम इसको बहुत जगह यूज करेंगे। अब आप ये देखिए, आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, इंस्टॉलमेंट, हर जगह हम इस चीज का यूज करके क्वेश्चन को विदिन 5 सेकंड के अंदर हम इसे सॉल्व करेंगे। आप टेंशन ना ले, बस कंटिन्यू जुड़े रहें और बारीकी से एक एक चीज को समझिए। वीडियो को पॉज करके आप रोक के देखिए, उन चीजों को कॉपी पर नोट कीजिए, समझिए, तब जाकर के आप अटेम्प्ट एग्जाम्पल में फास्ट लाएंगे, कर पाएंगे। और 30 में 30 आपको लाना है, 30 में 30 मैथ 30 नंबर के हैं एनटीपीसी में, तो 30 आने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। हम पढ़ाएंगे 90 वीडियो हम टोटल डालने वाले हैं, आपको 90 वीडियो डालेंगे टोटल, और 90 वीडियो में हम टोटल मैथ्स आपको पढ़ा देंगे, और 90 दिन का ये यूट्यूब पर क्लास आपका चलेगा, और 90 दिन में लाइव आकर के रिकॉर्डिंग डाल करके जैसे भी हो सके, जिस दिन हम लाइव नहीं आ पाएंगे उस दिन रिकॉर्डिंग डालेंगे, और जिस दिन मान लीजिए हम लाइव आ गए तो फिर लाइव का ही रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाला जाएगा। तो किसी भी तरह से आप पढ़ें, हम 90 वीडियो डालेंगे और सारे मैथ्स के जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। ये मेरा क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 12.5% का वृद्धि करने पर वो बढ़कर 900 हो जाता है, यदि उसमें 25% की कमी गिर दी जाए तो उसका मान क्या होगा, उसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को चलिए थोड़ा सा देखते हैं आपका मेथड कि आप कैसे बनाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 12 पूर्णांक 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। तो मेरा जो संख्या बन गया, जो संख्या हुआ उसे आप मान लेते हैं कि 8 है। अब चूंकि 8 में 1 बढ़ गया है तो ये संख्या अब बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो ये संख्या बढ़कर हो जाएगी 9। और आप लोग बोलते हैं कि 9 जो है वो किसके बराबर है भाई, तो 900 के बराबर है। तो 9 जब 900 के बराबर हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 हो गया, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 800। 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 800। तो ये तो संख्या निकल गई, लेकिन हमसे पूछा गया कि यदि 25% कमी कर दी जाए तो उसका मान क्या होगा। तो फिर आप लिखते हैं 25%, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अब जो आपकी संख्या बनने वाली है, वही संख्या जो बनने वाली है, वो संख्या क्या हो जाएगी,
तो वो संख्या हो जाएगी आपका चार, और चार में जब एक का कमी होगा तो ये संख्या घटकर अब कितनी हो जाएगी, तो ये संख्या घटकर चार में जब एक जाएगा तो तीन हो जाएगी। तो आप लोग क्या करते हैं, फिर लिखते हैं कि जो संख्या हमने पहले निकाला था वो संख्या था 800, और वही संख्या रेशियो में कितना बन गई, तो चार। तो चार का वैल्यू जब 800 हुआ तो एक का वैल्यू क्या हो 200, तो तीन का वैल्यू क्या आप निकालते हैं 600, और 600 ये इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों ये मेथड बहुत पुराना हो गया, इस मेथड से काम ना करें, ये हम बोल रहे हैं, हमारी बातों को माने, आप जज करें कितना समय आपका लगा, और इसी क्वेश्चन को हम जिस मेथड से बना रहे हैं उससे देखिए कितना समय लगेगा। गौर करेंगे 12.5 प्रश्न, तो बोलिए ये सब याद रखेंगे तो और समय का बचत होगा। 12.5 प्रश्न का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/8। अब बताइए यहाँ पर फिक्स वैल्यू क्या है, तो यहाँ फिक्स वैल्यू है मेरा 900, फिक्स वैल्यू मेरा क्या है 900। तो 900 कब हो रहा है, जब उसमें एक बढ़ जा रहा है, तो 8 में आप एक बढ़ा दिए तो 8 है कितना हो गया 9, 8 में जब एक बढ़ाए तो क्या हो गया 8 × 9, अर्थात अब हो जाएगा 9/8। 9/8 मेरा जो हुआ ये क्या है, तो फिक्स्ड वैल्यू का तुलना हमने फ्रैक्शन से कर दिया। अब बोलिए हमें क्या चाहिए, तो उसमें 25% की कमी करनी है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो 4 में जब 1 की कमी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 3/4। तो चूंकि हमें ये ज्ञात करना था इसलिए हमने 3/4 से गुणा कर दिया और इससे तुलना कर दिया, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू था और फिक्स्ड वैल्यू से हम उसका तुलना करते हैं फ्रैक्शन का। तो यहां से कैंसिल करके देखिए आपका आंसर मिल जाएगा सीधा, ये 9 से कितने बार में चला गया 100 बार में चला गया। अब देखिए 4 से ये कैंसिल हो, चूंकि ये ऊपर जाएगा 8, तो यहाँ हम कैंसिल करते हैं तो कितना हो गया 2, अब मल्टीप्लाई के लिए 2 × 3 6, और 6 × 6 आंसर बोलिए क्या हो गया 600। तो 600 ये आपका आंसर है। बोलिए समय क्या लगा, आप डायरेक्ट करिए इन चीजों को याद रखिए और समय बचेगा, आप डायरेक्ट समय बचाइए, समय मायने रखता है एग्जाम में। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिए, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाइए, आप सीधा लिखिए 900, वही फिक्स्ड वैल्यू है। तो फिक्स्ड वैल्यू जब 900 है तो कब फिक्स्ड वैल्यू है, जब हमने इसमें 12.5% का वृद्धि कर दिया, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू था 1/8, 8 में 1 बढ़ा ये हो गया 9/8। हमें ज्ञात क्या करना है 25% घटाकर, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू था 1/4, 4 में 1 घट गया हो गया 3/4। अब इसे कैंसिल कर दे, अब डायरेक्ट 9 से ये गया 100 बार में और 4 से ये गया 2 बार में, 2 × 3 = 6, आंसर आ गया आपका 600। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाएंगे तब जाके सिलेक्शन होगा और चुटकियों में क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आज का जो बेसिक कंसेप्ट था प्रतिशत का हमने टोटल बता दिया, कल लेक्चर 2 हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम आपको इन बेसिक्स पर जितने भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं खुद से हम क्वेश्चन को तैयार करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ खुद से बनाए हुए क्वेश्चंस रहेंगे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर कल बेसिक में ही हम आएंगे। बेसिक में ही आपको लगभग 20 क्वेश्चंस कल मैं करवाऊंगा और 20 क्वेश्चंस को आप बारीकी से देखिएगा, बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चंस होंगे और उन्हें आप इत्मीनान से करिए और इन मेथड्स का प्रयोग करके ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन मेथड से आपको भी एग्जाम में बनाना है ताकि आपको सफलता मिले, ताकि क्या मिले आपको सफलता मिले। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बारीकी से काम को करते रहें, जैसे जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे काम करें, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये मेरा कहना है, इसे मानिए और क्वेश्चन को मेरे मेथड से बनाते चलिए, मेरे मेथड से हर क्वेश्चन को बनाइए, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत भी होता है तो निराश मत होइए, निराश होने से कोई समस्या का समाधान नहीं है। वीडियो को रोक करके फिर देखिए, एक बार दो बार तीन बार देखिएगा, आपको ये बातें समझ में आ जाएगी, एक नया टेक्निक है। तो हो सकता है कि समय आपका ज्यादा लगे समझने में, तो आप उसे रोक रोक के देखिए, डर के भागिए नहीं। देखिए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है,
मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो लड़िए, क्वेश्चन से भी लड़िए, तब तक उसे नहीं छोड़ना है जब तक कि वो बन नहीं जाता है। और इस जोश के साथ पढ़िए, इस बार आपका जॉब लगेगा, रेलवे आपके मुट्ठी में रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।